चेतन शर्मा फिर बने अगर चीफ सेलेक्टर। फंस गया 5 भारतीय खिलाड़ियों का करियर। क्या टीम इंडिया में मिलेगा मौका? खबरों की माने तो चेतन शर्मा आने वाले समय में फिर से एक बार भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। भले ही वो पिछली टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हो, लेकिन उन्हें फिर से आगे टीम का चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है। जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भारतीय सिलेक्शन में नया चीफ सेलेक्टर देखने को मिलेगा, वो गलत हो सकता है और चेतन शर्मा ही आगे चीफ सेलेक्टर बने रह सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चेतन शर्मा फिर से चीफ सेलेक्टर बने तो वो 5 भारतीय खिलाड़ी जो पिछले कार्यकाल में सही से टीम इंडिया में नहीं खेल पाए थे या फिर उन्हें ढंग से टीम इंडिया में मौका नहीं मिला था, क्या उन्हें आगे मौका मिलेगा? क्या इस बार चेतन शर्मा की नजर इन खिलाड़ियों पर पड़ेगी और इन्हें मौके दिए जाएंगे, या फिर उन खिलाड़ियों को जिन्हें लगातार मौके मिल रहे थे उन्हें टीम में हमेशा के लिए रखा जाएगा और उन खिलाड़ियों को जिन पर नजर नहीं डाली गई थी उन्हें एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी का मौका दिया जाएगा? पृथ्वी शॉ, इस खिलाड़ी को पिछले 2-3 साल से टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। ये खिलाड़ी श्रीलंका दौरे के बाद टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी शॉ ने इस दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए। और अब सवाल ये है कि चेतन शर्मा अगर फिर सिर्फ चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो क्या पृथ्वी शॉ की टीम में वापसी हो पाएगी? कुलदीप यादव को पिछले मैनेजमेंट में ज्यादा मौके नहीं मिले, यहां तक कि वो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी टीम इंडिया से बाहर रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कुलदीप यादव को चेतन शर्मा के इस नए कार्यकाल में लगातार मौके दिए जाएंगे? क्या टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव पर भरोसा जताएगी? क्योंकि हमने कई बार देखा है कुलदीप यादव अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसके बावजूद वो टीम इंडिया से बाहर हो जाते हैं। संजू सैमसन को पिछले 6 साल में अगर देखा जाए तो 2022 ऐसा साल था जब उन्हें थोड़े ठीक ठाक मौके मिले, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2023 में संजू सैमसन को उन मौके को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? क्या टीम इंडिया उन पर लगातार भरोसा दिखाएगी? और अगर भरोसा दिखाएगी तो क्या उन्हें टीम में लगातार चुना जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि संजू सैमसन एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और अगर इस खिलाड़ी को लगातार टीम में मौके नहीं दिए गए तो इसके टैलेंट के साथ ये सही से जस्टिफाई नहीं होगा। इसके अलावा संजू सैमसन अगर खेलते रहते हैं तो वो भारतीय टीम को बड़े मैच जिताने का दम भी रखते हैं। उमरान मलिक एक और ऐसा नाम जिसे लगातार टीम इंडिया में खिलाने की मांग होती रहती है। चेतन शर्मा जब चीफ सेलेक्टर थे तो आईपीएल 2022 के बाद उमरान मलिक को एक सीरीज खिलाकर टीम से बाहर कर दिया गया, उसके बाद लगातार मौके नहीं मिले। ऐसे में हर किसी ने उम्मीद जताई कि जब नए चीफ सेलेक्टर आएंगे तो हो सकता है कि उमरान मलिक पर भरोसा जताएं, लेकिन उमरान मलिक का अब आगे चलकर क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उमरान मलिक के अंदर टैलेंट बहुत है, बस उन्हें लगातार खेलने की जरूरत है। ईशान किशन एक और ऐसा नाम है जिस पर टीम इंडिया ने ढंग से भरोसा नहीं जताया, क्योंकि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन ना करने के बावजूद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का मौका मिला, लेकिन वहां वो अच्छा प्रदर्शन कर गए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर उभरे, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर ईशान किशन को टीम इंडिया लगातार मौके नहीं देगी तो वो कैसे अपना प्रदर्शन हमेशा बेहतर करके दिखाएंगे? अभी ही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी जड़ी थी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन की तरह ईशान किशन को भी टीम इंडिया में लगातार मौके मिलते रहेंगे और ये 5 खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य बनेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन 5 खिलाड़ियों को टीम इंडिया में लगातार मौके मिलने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।